सो गाइस आज है धनतेरस, तो मम्मी क्या लेके आई इसी से पूछे, मम्मी क्या लेके आई है? सो गाइस पहले बोली कि लहसुन छिलो, उसके बाद थमा दी हमको ये बेसन। सो गाइस यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, मतलब कि 10:30 बज रहा है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडिटिंग एंड ब्लॉग। मैं आप लोग मस्त होंगे मेरी तरह से। गाइस कुछ दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो भाई सॉरी भाई साहब, और आज बहुत काम है, बहुत 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 काम है, घर का सिर्फ घर का काम करना है। बहुत दिन से कुड़िया थे, आज मम्मी तो हमको घर निकलना है, घर से बाहर निकलना ही नहीं, तो पूरा घर का काम करना है। पूरा जितना भी है ये गुलाबी कलर, तो कलर ला के रखे सारा, ये देख रहे हो तुमको पूरा कदम, मतलब पूरा गंदा उंदा हो चुका है, और दो साल से पेंट नहीं हुआ था, और इस सभी पेंट कचराना है, तो इसी आज पूरा काम करना है। तो ये वाला पेंट है और ये छोटा सा पेंट, इसको और पूरा मतलब सामान उमान सारा का सारा उगराया हुआ है, और खाना में भी कह रहे थे खाना नहीं खाए थे, खाना खाएंगे। धनतेरस है ना, आज दो दिन बचा है दिवाली का, आज मतलब जितना खाना है खा लो, बैल की तरह खटेगा, बैल की तरह पूरा हाथी सब की तरह खटेगा। पूरा पलंग करवाएंगे, पूरा पलंग साफ करवाएंगे, और पूरा घर रंगवाएंगे इसी से, जितना ठूसना है ठूस ले। पलंग निकल चुका है और हम चल गए थे ऊपर, तो भैया निकाले थे ठीक, और सारा का सारा सामान उजराया हुआ है, यहाँ पर इसका लोहा और वहाँ पर उसका ये, तो इसको जाना है धोने नदी में, तो आपको अभी नदी दिखाएंगे। अभी हम नदी में जाएंगे अराउंड यहाँ पर 3 महीना के बाद, अभी नदी में जाएंगे हेलेंगे पलंग ले हेलेंगे ठीक है, तो चलो नदी में। वह हो गया इसको रेडी, अब इसको पहना है पानी में, हम जाएंगे पानी में खाली। तू निहा ले ली, निहा लिया इसका, तुम्हारा अति कहाँ गया ये देखो मतलब बेड को पूरा पानी में डुकाने का पूरा विचार ले। सो गाइस अभी मतलब 3 महीना के बाद नदी में आए, मानोगे नहीं, निहाते हैं कि पानी भरल है, पूरा पूरा पानी भरल है, और डूब जाएंगे तब आता है लेकिन करिया हो जाएंगे, करिया पानी नदी में निहाएंगे। मतलब बेड कोई खेलने के लिए बना दे, एगो एक्सपेरिमेंट करके देखा कैसे खेलेगा, ऐसे करो मतलब कि मिस्टर इंडियन हैकर वाला सब सीख ले सर ठीक ना, मिस्टर इंडियन हैकर सब मिस्टर इंडियन हैकर का फैन है, हम भी फैन है, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है। अभी हम बैठने वाले हैं इस पर, देखो कहीं से गिरेंगे नहीं ना, गिरेंगे नहीं, पट्टिया मार के बैठ जाओ आराम से, हिलो उलो मत, अभी इस पर हिलने की स्टडी की, अरे आराम से गिरिए ना तू खाली, हम ना गिरवाओ ये ना बोल रहे हैं, कैमरा मैन को बोल रहे हैं गिरना नहीं, बाय बाय, उधर से मान हम जा रहे हैं दूर। राम भाई की मजा आ गई यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, नदी में निहा लिए और पूरा बाल भी अभी तक सही नहीं किया, और गाइस काम तो आज बहुत है, देखते रहो। सो शाम का कितना बज रहा है सुजीत, 3:36 हो रहा है, और भाई साहब अभी फुचका खाए हैं पानी पूरी, तो वहाँ पर ठेला लगा है बहुत मिर्चा रखवा दिए ठीक ना। असली काम तो भाई साहब शाम से है, शाम को मतलब पेंट करना है घर को, तो असली काम वो है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगा। एंड गाइस कपड़ा का नापी भी देना है, तब छठ पूजा में क्या पहनेंगे, और कोट है तो उसको थोड़ा सा फिनिशिंग करवाने के लिए उसको दर्जी को भी देना है, दर्जी होता है क्या रे, धोबी को देना है।
सो गाइस अभी मैं मार्केट में हूँ और कपड़ा का नाप भी देने आया हूँ, ठीक है ना। वहाँ का काम अभी बचा हुआ, पेंट अभी नहीं किए हैं और थोड़ा सा काम हो तो अपडेट होगा। चलो कपड़ा का नाप भी दे देते हैं और वहाँ पर जाएंगे, कोट का भी जो होगा तो काम करवा लेंगे। तो लेट्स सी, हम और हमारा भाई छोटा सा वो है सुमित और सुजीत आ रहा है। सुजीत और पहले नाप ही दिलवा लेते हैं। का भंडार है एक सेट और एक सेट ये शॉर्ट, एक सेट ये वो शॉर्ट ना, एमए दो सेट, दो सेट एमए दो सेट और एक सेट ये पैंट, एक सेट शॉर्ट, एक सेट यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो कितना शर्ट सेट होगा, मतलब पाँच छः सेट, पाँच छः सेट है, छः शॉर्ट और चार सेट पैंट। तो और आदमी एक दो तीन, समझ लो भाई, कैलकुलेशन कर लो। तो फटाफट नामी नापी होगा, तभी नापी हो रहा है, तो पहले हम अपना ही नापी करवाएंगे। तो गाइस अपना नापी हो चुका है और तुम्हारा नापी नहीं कपड़ा का नापी देवा के अभी कोट का रफ वहाँ पर देखो बगल में, यहाँ पर मतलब उसमें थोड़ा सा मूसा काट दिया था, वो भी हो गया और साइनिंग उनिंग जो भी खिंचा उचा जाएगा तो छठ से पहले मिल जाएगा। लेट से अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट सुजीत को सामान लेना, आपको पता है रोज सामान लेते हैं। चलो मार्केट में भीड़ देखोगे पता ही कतई जहर। ये तो कुछ नहीं, अभी तो छठ पूजा आएगा। अरे क्या कर रहा है, छठ पूजा आएगा तो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। अभी तो दिवाली का लिए शॉपिंग चल रहा है, आज धनतेरस भी है तो उसका भी शॉपिंग चल रहा है। गाइस हम आ गए हैं घर पर और पूरा घर खाली, ये सब पूरा पूरा अभी पेंट करना है। और दीदी बना रही है खाना, क्या बना रही है, क्या बोले उसको, कड़ी। तो हमको बोलिए लहसुन छीनने के लिए, तो लहसुन है यहाँ पर, तो इसको फटाफट छीलते हैं। तो गाइस पहले बोली कि लहसुन छीलो, उसके बाद थमा दी हमको ये बेसन, बेसन गूंदने के लिए क्योंकि कड़ी बनेगा। और मम्मी अभी यहाँ पर नहीं, बाहर कहीं गई है, तो आज लगता है घर का काम से ले के मतलब खाना पीना सब बनाना ही होगा। गाइस मेरा काम हो चुका है, ये आटा, ये बोला बेसन नहीं, बेसन है, तो ये पूरा गूंद लिए हैं। और एंड गाइस अभी एक बताओ क्या है, आप लोग बताओ क्या है, भाई साहब पता तो चलिए गया क्या है। तो ये है कैंडल जो कि छठ पूजा में लगता है, तो दिवाली से पहले कैंडल होता है, कंदील जो होता है सो होता है। तो ये सुमित बता बना रहा है और उसका हेल्प कर रही है ये इसको आता तो कुछ नहीं बनाने, लेकिन फिर भी हेल्प कर रही है और पूरा मतलब बिछाए हुए है। लेट्स सी जैसे बनेगा ना इसको, तो इसको तो आपको दिखाएंगे कैसा है ये, मतलब लुक एट द ब्यूटी, नया नया डिजाइन में बनाया, पहले लकड़ी का बनाते थे, अब ये पता नहीं कैसे बना रहा है। लकड़ी बाहर चिर के छोड़ दिया, लकड़ी चिर के छोड़ दिया, ठीक है। तो बनने दो, अपना काम है जो नीचे पेंट का तो वो करना है, मेन काम वही है, रात तकला वही होगा। आज है धनतेरस, तो मम्मी क्या लेके आई, मम्मी क्या लेके आई है, छठ व्रत में पूजा क्या, मतलब पीतल का है ना, खीर बनाने के लिए पीतल का, ये कि ये है मतलब एक किलो का है, पता नहीं कितना क्या कपड़ा है एगो सूप, तो मतलब छठ पूजा में इधर खाने के लिए है, नहीं तो थाली। तो कितना का गच्चा लग गया आज, 2000 रुपए का गच्चा आज लग गया। और पापा को बोल रहे हैं कि जो तकनी से पेंट करने के लिए, तो पापा बोल रहे हैं रात होने का वेट कर रहे हैं, और रात तक मतलब वेट करने का मतलब कि रात तक ब्लॉग अपना रहेगा तो एडिट। हाँ तो नहीं तो आज पेंट होगा तो उतना ही देर तक मतलब पूरा कम्प्लीट ब्लॉग रहेगा ही, तो रहेगा फिक्स। और अभी तक खाना बना नहीं है, ठीक ना, अभी तक खाना बना नहीं है, खाना बनाया, भूख भी बहुत जोर से लागल है और इसका काम अभी तक हुआ नहीं। कैंडल बना रहे, नहीं बना कैंडल भी नहीं बना, तो जखनी पेंट होगा वही दिखाएंगे, जैसे जैसे होगा सब दिखाते। सो गाइस रात का हो रहा है 9 और रात के 9 हो रहा है और पेंट स्टार्ट हो गया, ठीक ना। हम बाहर गए हुए थे तो पापा भी पेंट कर रहे हैं, पापा कर लेंगे तब हम करेंगे, नहीं थक जाएंगे तब। खाना बन गया, खा रही हमको पूछो वो नहीं कि एक और ब्रश रहता तो हम इसको मारते। अराउंड यहाँ इसमें 9 बज रहा है ना, हम मेरे ख्याल से 11-12 बज जाएगा एक पूरा मारने में, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो देखो पापा का हो गया, अब मेरी बारी।
सो गाइस यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, मतलब कि 10:30 बज रहा है और पेंट करते करते हाल खराब है। यहाँ पर लग गया फेस पर, शॉर्ट पर भी लगा हुआ पूरा, और मम्मी पापा पीछे भी खाना खा रहे हैं और काका लेके कढ़ाई लेके, और यहाँ पर हम चढ़ के एकदम मार रहे हैं, एकदम चकाचक एकदम चिक्कन बना देंगे ड्यूटी को, घर को एकदम गुलाबी कलर से मस्त मार के उसको। आँख से नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है नींद, लेकिन आज पूरा खत्म करके रहेंगे। अलार्म नीचे तो हो ही गया है, अब ऊपर का काम बचा है, फटाफट मार। सो गाइस रात के बज रहे हैं 12 और भाई साहब नींद बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। और देख सकते हो भाई साहब वहाँ तो पूरा मतलब पेंट हो गया, मोबाइल भी पेंट हो गया, और पीछे अभी ऊपर वाला कर दिए, अभी नीचे वाला करना है, उसके बाद वो नीचे, उसके बाद वो नीचे, और इधर का पूरा अपना हो गया है। तो देखते हैं कितना देर में होगा। तो गाइज आपको डायरेक्ट मिलते हैं कल सुबह, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं डायरेक्ट आपको। तो चलो, तो गाइज आज है नेक्स्ट डे, और मतलब कि पूरा बाहर अंदर का तो पूरा का पूरा पेंट हो ही गया, रात के 1 बजे तक मतलब पेंट किए थे, एंड मम्मी पापा दोनों लगा है एकदम नीचे छुराने में, तो ये नीचे का ये छुराने में लगे हुए हैं दोनों, और उसके बाद ये पेंट होगा पूरा अच्छा से, आगे से आएगा फिनिशिंग हो जाएगा ना, तब लुक एट द ब्यूटी का जब भी लगेगा, ठीक है। एंड गाइस इसका देखो इतना काम हो चुका है, पता ना आ गया सुमित क्या करेगा इसमें, तो हमको कुछ पता नहीं, इसको छोड़ दिए। और गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो भाई जी साहब आज बहुत मेहनत लगा, बहुत काम किए आज तो नहीं कल काम किए। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी से एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डेली ब्लॉग है अपना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत। बाय।